मुख्य परीक्षा 2018 पर फिर छाए हैं संकट के बादल। कोर्ट ने आज फिर दिए साक्षात्कार को लेकर आदेश, आगामी आदेशों तक लगाई साक्षात्कार पर रोक। न्यायाधीश एसपी शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आरएन माथुर ने की थी राजेश कुमार की याचिका की पैरवी। हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर आयोग पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने साक्षात्कार पर पूर्व में 10 दिसंबर तक दिए थे रोक के आदेश, अब 15 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर है अजमेर से, बड़ी खबर आ रही है आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 पर फिर से संकट के बादल छा गए हैं। कोर्ट ने आज फिर साक्षात्कार को लेकर अहम आदेश दिए, आगामी आदेशों तक साक्षात्कार पर रोक लगाई गई है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। आरएन माथुर ने राजेश कुमार की याचिका की पैरवी की थी। वही कोर्ट ने मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर आयोग पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने साक्षात्कार पर पूर्व में 10 दिसंबर तक रोक के आदेश दिए थे और अब 15 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। एक बार फिर संकट के बाद जरूर छा गए हैं। 10 दिसंबर तक रोक के आदेश पहले कोर्ट ने साक्षात्कार के पहले दिए थे साक्षात्कार को लेकर, लेकिन अब 15 दिसंबर को इसे लेकर फैसला सुनाया जाएगा। आर्यन माथुर ने राजेश कुमार की याचिका की पैरवी की थी। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर आयोग पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने साक्षात्कार पर पूर्व में 10 दिसंबर तक के रोक के आदेश दिए थे और अब 15 दिसंबर को इसे लेकर फैसला सुनाया जाएगा। और जुड़े संवाददाता शुभम जैन हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। शुभम, एक बार फिर से बादल मंडराते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इंतजार यहां जब जब रहता है। रोक कोर्ट ने लगाई और क्या कुछ कहा आज सुनवाई में इस मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर कोर्ट ने? जी बिल्कुल, जो आरएएस मुख्य परीक्षा है उसके जो छात्रों ने तो एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि जो आरएएस पे अभी इससे पहले जो 7 तारीख तक जो इंटरव्यू शुरू होने थे उस पर रोक लगा दी थी। हालांकि वो 10 दिसंबर तक के लिए रोक लगाई थी, लेकिन आज एक और याचिका पर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई की है। जो याचिका थी 3 गुना परिणाम जारी करने को लेकर के, जो के लिए लगाई थी, साक्षात्कार में सफल होने के लिए लगाई थी, लेकिन उन्होंने आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और रोक आगामी आदेशों तक लगा दी है। इंटरव्यू नहीं होंगे तो कह सकते हैं कि 2018 के इंटरव्यू थे वो पूर्ण रूप से रुके हैं, जो 14 तक से वापस शुरू होने थे वो नहीं होंगे, क्योंकि तब तक की रोक थी उसको बढ़ा करके अब आगामी आदेश कर दिया है। वही बात करें 3 गुना परीक्षा अभ्यर्थियों को सफल करने के वो मार्क को लेकर के रेट लगाई गई थी, जिसके ऊपर आज पैरवी की गई और पैरवी के बाद जो परिणाम आदेश दिए हैं वो आदेश यही है कि वो साक्षात्कार को अभी रोक दिया जाए और इसके जो फैसला है वो 15 दिसंबर को सुना दिया जाएगा। बिल्कुल शुभम, तो 15 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा, यानी तब तक रोक ही माना जाए, और कितनी संभावना लग रही है आगे, और ये याचिका लगाई क्यों गई थी? जी बिल्कुल, जो ये याचिका है ये आरएएस मुख्य परिणाम जो जारी किया था उसको लेकर के, ये परिणाम के बाद जो अभ्यर्थी थे उनका कहना यह था कि आयोग ने अधिकतर के 2016 के अंदर जो परीक्षा के परिणाम जारी हुए थे या 2013 के अंदर तो 3 अभ्यर्थी को पास किया था, लेकिन इस बार 2 गुना अभ्यर्थी भी पास नहीं किए हैं, जिस कारण से उन्होंने 3 गुना की मांग करते हुए याचिका को लगाया था कि 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए और आयोग ने भी कई तरीके के आरोप भी लगाए थे। इसके बाद याचिका पर सुनवाई चलती रही है, एक बार फिर कोर्ट ने यह कर दिया कि आगामी आदेशों तक जो साक्षात्कार है उनको रोक दिया और आयोग ने कोर्ट पर भी टिप्पणी की कोर्ट के द्वारा कि जो परिणाम है दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको लेकर के विचार विमर्श भी किया जाए और 15 तारीख फैसला सुना दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम जैन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।